केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। यस, एमाइंस की प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपको, इवन होने को तो बोर्ड में उतना लेकिन आ भी जाता है वन मार्क में, वो भी बताया था। इवन ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम ही नेग्लेक्ट कर दें, नहीं, ऐसी गलती भी नहीं करनी। कभी बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, उसके ऑर्डर को अरेंज करना आता है हमारा वन मार्क का। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, वो हमने डिस्कस किया, बड़ी जबरदस्त चीज है। देयर आफ्टर आई वेंट थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस लाइक द रिएक्शन ऑफ एमाइन विद एसिड हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, या फिर वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। अब मोस्ट का भी मोस्ट है वैसे देखा जाए तो, हिंसबर्ग टेस्ट जब आता है तो सीधे 3 मार्क्स का आता है। सो यू आर हियर टू अंडरस्टैंड हिंसबर्ग टेस्ट फॉर एमाइन्स, राइट? केमिकल टेस्ट, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश amines, primary, secondary and tertiary amines. इनके डिस्टिंग्विशन के लिए, ठीक है? चलिए सबसे पहले यही ले लेते हैं, हिंसबर्ग्स टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। एमाइंस जो है हमारे, एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है? हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, केमिकल नेम कहो उसका तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। जब हम एमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे रिएजेंट, तो क्या होगा, हमें एक सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो वो डिपेंड करेगा किसमें सोल्यूबल होगा किसमें इनसोल्यूबल होगा, वो काम करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दैट इनफेक्ट इन एक्वस एनएओएच, NaOH solution, ये चीज, ओके। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl is called Hinsberg reagent, benzene sulfuryl chloride। आइए reactions लेते हैं हम। Primary amine, 1 degree amine के साथ क्या रहेगा? ये आपका RNH2, right? तो ऐसे लिख दिया जाए इसको, RNH, NH, then Cl, SO2, और ये हमारा बेंजीन वाला पार्ट आ गया। तो जब प्राइमरी माइन के साथ ट्रीट करेंगे हम, देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। एक HCl रिमूव करेंगे, ये HCl का एलिमिनेशन दिखाना है, और बाकी जो बचा वो है RNH, RNH, SO2 एंड C6H5, ठीक है? दिस इज बेंजीन, ये क्या रहेगा, एन एल्काइल, एन
एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसमें क्या नोटिस करना है हमने, इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पड़ा है, ये दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल, तभी इट इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, इसका कॉम्बिनेशन होगा एंड वहां पर जो बनेगा ये है एन एल्काइल, अच्छा ये Na पॉजिटिव आ जाएगा और ये माइनस SO2, ये इसके साथ है ना SO2 C6H5, दिस इज व्हाट सॉल्युबल इन NaOH इस तरीके से, ठीक है। अगर 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा, सेकेंडरी अमाइन और NH और डैश सपोज Cl SO2 या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, अच्छा HCl जब एलिमिनेट हो जाएगा फिर तो यहां पर कुछ बचना है नहीं, इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा इट शुड बी इनसॉल्युबल, इनफैक्ट इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH, C6H5 भी लिख सकते हैं जल्दी हो जाता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH दैट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल H, ठीक है, रिप्लेसेबल एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास तो ये नहीं होगा, माइनस ऑफ HCl, फाइन 3 डिग्री अमाइन। अब जो टर्शियरी अमाइन है ये बड़ा सिंपल है, एकदम अपेरेंट है टू नोटिस, ये देखो इसके पास एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसके साथ तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या रहेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, तो ऐसा हमने करना है। तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन से, हिंसबर्ग टेस्ट 3 मार्क्स का बनता है। जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन को आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, क्यों है, बिकॉज इसके पास फिर से एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH, तो पता चल गया ना कि ये वाला सॉल्युबल है ये वाला इनसॉल्युबल है, और टर्शियरी वाला अमाइन उसके साथ वो जो टर्शियरी अमाइन का सैंपल होगा वो तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई फर्दर रिएक्शन ही नहीं देगा, कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पता चल जाता है कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शियरी, तो डिस्टिंग्विशिंग हो गई इनकी, ऐसे करेंगे इनको, ठीक। तो दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट। Another test is nitrous acid test. Nitrous acid test, right? ये बड़ी काम की चीज है ये भी, because ये तो conversion में भी काम आता है, यहां से तो हम conversion कर नहीं सकते इससे आगे, but this method can be used in the conversion of organic compounds. How? जब हम क्या करते हैं primary amine को like और NH2 I am taking on right, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम। अब एक दिक्कत है, नाइट्रस एसिड जो होता है अनस्टेबल होता है, तो इट इज
taken in the form of NaNO2 plus HCl. ये HNO2 plus NaCl. HNO2 plus NaCl. अब क्या होता है, जो चीजें अनस्टेबल होती है, दो रिएक्टेंट्स और सब्सटेंसेस और रिएजेंट्स आर टेकन इन सिटू. मींस उसको उनके जो कंपोनेंट्स हैं ना उसके फॉर्म में लिया जाता है, उसके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं उनके फॉर्म में लिया जाता है. ठीक वही यहाँ पर भी कर रहे हैं हम. ये प्राइमरी अमाइन है और इसको आपने रिएक्ट करवाया है NaNO2 plus HCl के साथ. क्या बनना चाहिए, पहले ये होगा आपका R, N2 बनता है इसमें N2Cl नेगेटिव, एक एल्काइल है ना डायजोनियम क्लोराइड बनता तो है एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल NaCl माइनस ऑफ NaCl एंड टू ऑक्सीजन एटम्स आर हियर, तो ट्वाइस ऑफ H2O ये एलिमिनेट होंगे इसमें, तो ट्वाइस ऑफ HCl करना पड़ेगा आपने इस तरीके से. ये आपको डिटेल में बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. अदरवाइज आप लोग ये क्या कर सकते हैं ना, ये एमाइन लिखा एरो के ऊपर लिख गया इन चीजों को, उसके बाद सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये यहाँ पर नहीं होती है. अब अनस्टेबल है तो ये ब्रेक होता है आगे, इसका जब एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है आगे, ये आपका HOH आ गया. ठीक है, तो N2Cl इज रिप्लेस्ड बाय R, ये देखिए OH अल्कोहल मिल जाता है यहाँ पर, ये अल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl. ये चीज है, कहने का मतलब ये है, हैं क्या है आप लोगों के लिए पते की बात, इसमें काम की बात क्या है, जब प्राइमरी अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा. रिमेंबर अल्कोहल मिलेगा, तो ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है. फॉर एग्जांपल CH3NH2, ओके, एंड आई एम राइटिंग HNO2 लाइक दिस, वी कैन राइट दिस वे आल्सो, NaNO2 plus HCl, तो CH3OH आपको मिला एंड N2 बिल्कुल सही एंड देन H2O टू नाइट्रोजन. ठीक है, H2O ये बैलेंस टू ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन कितने हैं यहां 4, 5, 6 एंड 3, 5, 6 बिल्कुल सही हो गए. इस तरीके से हमें इसको शो करना होगा. व्हाट इफ वी टेक, अगर चलिए पहले यही बात करते हैं और इसी चैप्टर में हमने बात कर रखी है, हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी कर रखा है, इसमें भी एनिलीन डायजेटाइजेशन किया था ना एनिलीन बनाने के लिए. तो जब क्या होता है, अच्छा ये आगे का आ जाएगा, जब हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा डायजेटाइजेशन का बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है. इस पर हमने अपना सेशन भी आप लोगों को दे रखा है. इनफैक्ट अभी हम इस चीज को एनिलीन की प्रॉपर्टीज में और लेंगे. ठीक, हमारा बस नेक्स्ट ही रहेगा एनिलीन के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी इसको ले लेते हैं केमिकल टाइप्स टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, अगर ये सेकेंडरी होगा फिर क्या करेंगे, ऐसे करते हैं R N R H प्लस HNO2, फिर क्या होगा RNR, राइट, N डबल बॉन्ड O ये बनता है इसमें, एंड ये जो है ये N नाइट्रोसो, ये NO ग्रुप जो होता है ना नाइट्रोसो ग्रुप, और नाइट्रोसाइलियम भी कहते हैं हम इसको, N नाइट्रोसो N एल्काइल. ठीक, एमाइन बनेगा होने को, तो
एक तरीके से क्या कर देते हैं इसको, डायल काइल लिख देते हैं सीधे, ये भी तो लिखा जा सकता है डायल काइल एमाइन, इस तरीके से होगा ये एनओ ओ एच, ओ एच तो एच टू प्लस एच टू। ये जो होता है एन नाइट्रोसो कंपाउंड, इट इज अ येलो ऑयल, येलो ऑयल होता है तो इनसॉल्युबल होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, ऑयल है ना, ऑयल आर इमिसिबल विद वॉटर, तो वही वाली चीज है। तो ये भी तो काम आ रहा है, ऊपर वाले में अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ एक येलो ऑयल मिल रहा है विच इज इनसॉल्युबल, अल्कोहल्स तो आर रेडिली मिसिबल विद वाटर व्हाइल दिस येलो ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर, काम आ रहा है। ये भी तो टेस्ट बनेगा प्राइमरी सेकेंडरी में, टर्शियरी होगा तो उस पर भी होगा, ठीक है। कैसे कैसे, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, नाउ R3N आई एम राइटिंग डायरेक्ट प्लस HNO2, R3N, yes, H तो N पॉजिटिव आएगा, NO2 माइनस, सो दिस इज ट्राइअल्काइल, ट्राइअल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, ये पूरा एडिशन हो गया ना यहां पर, नो एलिमिनेशन या करिंग इन द रिएक्शन, ये भी नोटिस करना है। और ये सॉल्युबल होता है, दिस इज सॉल्युबल इन वॉटर, ऐसा क्यों, ये आयनिक नेचर का है एंड वॉटर भी हमारा बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है, दिस इज द रीजन। तो 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रस एसिड टेस्ट किया है, प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एक नाइट्रोसो येलो ऑयल प्रोडक्ट मिलेगा विच इज इमिसिबल विद वाटर, टर्शियरी अमाइन के केस में हमें एक सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज एन आयनिक, इनफैक्ट आयनिक सॉल्ट होगा अमोनियम का, तो वो सॉल्युबल इन वाटर रहेगा बीइंग आयनिक इन नेचर। तो ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने खूब, हिंसबर्ग टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए, फिर देखिए आप लोगों को क्या क्वालिटी मिलती है यहां से, क्या सेशंस मिलते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी।